दोस्तों आज हमारे YouTube चैनल में आपका महिंद्रा मैक्स कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों चलो देखते हैं। दोस्तों बहुत ईजी है, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। चलिए हम एयर फिल्टर से शुरू करते हैं। दोस्तों चेकअप करने के लिए दोनों सीटों को हमको ऊपर करना है। इसके नीचे दो क्लंप दिए गए हैं दोस्तों, इसको खींचने से ओपन हो जाएगा। फर्स्ट लेफ्ट साइड में देख लेते हैं, फर्स्ट लेफ्ट में एयर फिल्टर, फिर डायनमो की बेल्ट और इंजन ऑयल चेकअप के लिए उस काज दिया गया है। फर्स्ट एयर फिल्टर को चेक कर लेते हैं। एयर फिल्टर को रिमूव करने के लिए तीन क्लैंप दिए गए हैं, उन क्लैंपों को आप रिमूव करने से ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। देखिए देखिए दोस्तों, लो हमने एयर फिल्टर को ओपन कर दी। देखिए दोस्तों इतने सारे डस्टों को रखकर आपको गाड़ी को नहीं चलाने। देखिए कितने सारे डस्ट है, इतने सारे डस्ट होगा तो आपको प्योर एयर इंजन के अंदर नहीं चलेगा होगा, गाड़ी की माइलेज बहुत ड्रॉप हो जाएगी और स्पीड भी नहीं जाएगी, अधिक डीजल हमको खर्च भी होगा। वीकली वंस हमको एयर फिल्टर चेकअप करना है और उसको क्लीन करना है। मैकेनिक शॉप में कंप्रेस्ड एयर होगा, उसको रखकर उसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्लोज़ कर लेते हैं। जिस तरह हमने इसको ओपन किया उसी तरह हम उसको क्लोज़ करना है। बदल के आप इस एयर फिल्टर को रख लेते तो अंदर एयर नहीं जाएगा और आपका गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगा। लो हमने इसको क्लोज़ कर दी। ठीक है दोस्तों, अभी इंजन को चेक कर लेते हैं। दोस्तों गाड़ी में बहुत इंजन को चेकअप ही बहुत मुख्य है। दोस्तों जब भी आप गाड़ी को रोकते हैं तीन घंटे के बाद ही इंजन को चेक करना है, तभी उस समय भी सभी ऑयल नीचे चल जाती है, नहीं तो सभी ऑयल ऊपर होती है। इसलिए तीन घंटे के बाद ही आपको इंजन को चेक करना है। और जब भी आप इस गाज को निकालते हैं तब इस गाज को अच्छी तरह क्लीन कर दोबारा इसके अंदर डाल के इंजन को चेक करना है। दोस्तों देखिए गाज में दो डॉटें दिए गए हैं, नीचे का एक डॉट ऊपर का डॉट। नीचे मिनिमम लेवल इंडिकेट करता है, ऊपर मैक्सिमम इंडिकेट करता है। हम मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को बीच में ही इंजन ऑयल को रखना चाहिए, इसमें कम भी नहीं होना चाहिए, अधिक भी नहीं होना चाहिए। कम हो तो इंजन हीट ओवर हीट हो जाएगा, अगर बहुत अधिक होगा तो इंजन बहुत धीरे चलेगा और बहुत कष्ट से इंजन रन होगा। देखिए दोस्तों इंजन ऑयल बहुत कम है, इससे गाड़ी को रखना नहीं चाहिए। अगर बहुत इंजन ऑयल कम कर आप गाड़ी को चला सकते हैं, डैमेज हो सकता है इंजन। ठीक है दोस्तों, अभी डायनामो की बेल्ट को चेक कर लेते हैं। डायनामो की बेल्ट कैसे चेक करते हैं ना, जब इसको प्रेस करते हैं, जब एक छोटा सा स्प्रिंग या स्टिफनेस को आपको महसूस करना है, अगर बहुत ढीला होगा तो कट जाएगा और बहुत टाइट होगा तो भी कट जाएगा। अगर ढीला होगा तो आपको डायनामो की पावर उतना एफिशेंसी से हमको नहीं मिलेगा, इसलिए उसका टाइट इक्वल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमने तीन को देख लिया। फिर राइट साइड में कूलेंट ऑयल को चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हर समय आपको कूलेंट ऑयल को फुल रखना चाहिए और आपको चेक करना चाहिए कि कूलेंट ऑयल रेडिएटर के अंदर जाकर सभी इंजनों को कूल कर दोबारा इसके अंदर गिरते चेक करने दें। इसको कैसे चेक करते हैं ना, जब गाड़ी चला के आप इसके अंदर देखने से बबल्स आएगी इंजन के अंदर, जाकर दोबारा इस कूलेंट ऑयल उसमें गिरने की आवाज़ भी आपको सुनाई देगा। और कूलेंट ऑयल की हाथ में रखकर आपको एक महसूस होगा, बहुत रस्ट होगा तो आपको रेडिएटर को निकाल कर रेडिएटर को क्लीन करना चाहिए। अगर रस्ट कम हुआ तो कोई बात नहीं। यस किसके लिए आता है, जब इंजन ओवर हीट हो जाता है तभी इंजन कूलेंट ऑयल भी ओवर हीट होता है। इसके कारण क्या होता है, रेडिएटर के अंदर बहुत सारे पोरस होते हैं, सब कॉपर ट्यूब के होते हैं, इस कारण वो रस्ट पैदा होकर इंजन सभी जगहों को वो लॉक कर देते हैं। इस कारण के लिए रेडिएटर से पानी नहीं जाती है। अगर जब भी आपको इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ होता है, अगर जिस जगह भी शॉर्ट सर्किट हो या तो कुछ लाइट वगैरह इग्निशन वगैरह नहीं चलता हो, वो मेन कारण क्या होगा, इस इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ में फ्यूज़ हो जाता है। और इसको एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और कुछ भी आपको इलेक्ट्रिकल कंप्लेंट होता है चेक कर लेना। फिर टायर को देख लेते हैं। दोस्तों टायर दो तरह के होते हैं, एक रीबिल्ट होते हैं, एक ओरिजिनल होता है। अगर आपके टायर ओरिजिनल होता है तो आपको 25% उसका बटन चल चुका हो तो उसको चेंज करना जरूरी है। अगर आपको रीबिल्ट होता है तो 50% खत्म हो चुका है तो उसको चेंज कर लेना। फिर बैटरी को चेक कर लेते हैं। दोस्तों बैटरी में दो होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दोनों तारों को हर बार आपको चेक करना है और आपको डिस्टिल्ड वाटर से इसको क्लीन करना है और डिस्टिल्ड वाटर से भी इसको भरना है।
और इन दोनों को पेट्रोलियम जेल लगाकर इसको फुल्ली कवर कर देते, नहीं तो रस्ट पैदा हो जाएगा। और कॉपर ट्यूब में दो कॉपर क्लैंप दोनों दार होती हैं, उन दोनों कॉपर क्लैंपों को चेक करना जरूरी है, क्योंकि हर बार वो क्रैक होने का चांसेस बहुत होती है, इसलिए आपको बदल लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और फिर मल्टीमीटर में अगर आपकी बैटरी कोई ठीक से चल नहीं रहा हो तो मल्टीमीटर चेक कर लेना, 12.5 से 13.5 रीडिंग हमको मिलना चाहिए। अगर 10 के नीचे इसको मिलेगा तो आपका बैटरी खत्म हो चुका है समझ लेना, आपको बैटरी बदल दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। एक और यूज़फुल मीडियम में मिलेंगे, धन्यवाद।